नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जुलाई गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मौसम सुहावना बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए प्रदेश के अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अलवर जिले के अंतर्गत में गर्जन वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही दौसा, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, करौली, अलवर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आज कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां जिले में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों और गुजरात से सटे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी बादलों ने डेरा डाल रखा है। पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद सुलह के वक्त तय हुए मुद्दों पर कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थकों की मांगों पर विचार करने के लिए बनी सुलह कमेटी ने अपनी सिफारिशें हाईकमान को सौंप दी हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन की कमेटी ने मांगों और सुझावों को सुनने के बाद तैयार की गई सिफारिशों को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही सचिन पायलट के समर्थकों को सत्ता और संगठन में भागीदारी मिलेगी। जयपुर जिले के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में विवाहिता का अपहरण के बाद गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मारपीट कर विवाहिता से चार लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता दौसा की रहने वाली है और जयपुर में अपने पति के साथ किराए में रहती है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर रामजीलाल मीना, बनवारी कृष्णा मीना और रामकेश नामक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। टोंक जिले के केकड़ी के पूर्व विधायक को जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने डीजे पर जश्न मनाते हुए डीजे को जब्त कर लिया। पूर्व विधायक मालपुरा में समर्थकों के साथ जश्न मना रहे थे। पुलिस ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने के आरोप हैं। सरकार ने डीजे को बैन कर रखा है। महामारी अधिनियम में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम है। यह कार्रवाई सीओ चक्रवर्ती सिंह के एसपी ओम प्रकाश के निर्देश पर की। जयपुर जिले के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 5 पर एक बस ने महिला के पर्स से चोरी होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने घर जा रही थी, उसी दौरान पास में बैठी महिला ने पर्स से जेवरात निकाल लिए। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश भर में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर आज गुरुवार से फिर खुल गया। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं के मन की आस पूरी हुई बल्कि कस्बे के होटल, ढाबे और दुकानदारों के लिए भी खुशी लेकर आई है। 117 दिन बाद खुले मंदिर के पहले दिन ही लोगों की आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। आज के दर्शन को लेकर वेबसाइट पर कल से ही रजिस्ट्रेशन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ ही घंटों में आज के दर्शन के लिए स्लॉट फुल हो गए थे। आज सुबह 8 बजे से गाजे बाजे के साथ बाबा श्याम के दर्शन शुरू हो गए। बता दें कि खाटू मेले के एक दिन बाद से ही मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का फैसला किया था, जिसके 117 दिन बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। हालांकि अभी भी प्रशासन के निर्णय को देखते हुए मंदिर कमेटी ने गाइडलाइन तय की है, उसके अनुसार ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू थाना क्षेत्र में पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटक के साथी मित्रों ने ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान बसंत कुमार की मौत हो गई। पर्यटक की हृदय गति रुकने से मौत होना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गुजरात निवासी बसंत कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रदेश के पांचों सरकारी बिजली कंपनियों से बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। बिजली कंपनियों के प्रबंधन ने तबादलों का आवेदन मांगा है। इसके साथ ही कार्य कुशलता के आधार पर प्रशासनिक तबादले भी होंगे। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में बिजली छिज्जत व रेवेन्यू वसूली का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने वाले इंजीनियरों को भी तबादला के मापदंडों में रखा गया है, ताकि बेहतर कार्य के प्रति प्रोत्साहित हों। वही बिजली चोरी व बिल वसूलने के खराब प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों के फील्ड ड्यूटी से हटाकर नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले और सिस्टम मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों को भी डिवीजन व सब डिवीजनों से हटाकर कार्यालयों में लगाया जाएगा। जोधपुर शहर में ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। पावटा स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पालनी में कोई बेरहम माँ अपनी एक दिन की नवजात बच्ची को छोड़ गई। नवजात बच्ची की अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच की और उसे एकदम स्वस्थ पाया। इस बच्ची को राजकीय शिशुग्राम में भेजने का निर्णय किया गया है। पुलिस ने बताया कि पावटा चौराहे पर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में एक पालना रखा हुआ है।
ताकि कोई माँ अपने बच्चे को पालने में असमर्थ हो तो उसे छोड़कर जा सकती है। अस्पताल के कर्मचारियों ने आज सुबह 3 बजे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने तुरंत पालने की जाँच की तो वहाँ एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई मिली। जयपुर जिले के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसके बाद से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी वर्ष 2018 से उसका शोषण कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।